हे माय लवली फूडीज, आप में से किसी किसे वेज कटलेट्स खाना पसंद है पर यूजुअली बनाते नहीं है क्योंकि डीप फ्राइड होते हैं, है ना। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल एक नए ट्विस्ट के साथ कटलेट्स बनाने का तरीका, जिसकी वजह से आपके कटलेट्स में 4 चांद लग जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसे ना तो हम शैलो फ्राई करेंगे ना तो डीप फ्राई करेंगे, फिर भी ये बनेंगे 100% कुरकुरे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। और इतना ही नहीं, इसमें हम बिल्कुल ना के बराबर तेल का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से ही काफ़ी हेल्दी भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में गरम करेंगे 2 टीस्पून तेल, डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हल्का सा टॉस कर लेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 1/2 प्याज बारीक कटा हुआ, इसको भी हल्का सा टॉस कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए, जैसे कि सॉफ्ट हो जाए, डार्क बिल्कुल नहीं करना है। बारी आती सारी वेजिटेबल्स डालने की, तो मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी गाजर ग्रेट की हुई, कुछ फ्रेंच बीन्स ऐसे बारीक कटे हुए, क्रश किए हुए मटर, थोड़े से कॉर्न्स, थोड़ी सी बारीक कटी हुई कैप्सिकम, और इन सारे वेजिटेबल्स को थोड़ा सा टॉस कर लेंगे 2 मिनट के लिए। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/2 बीटरूट बारीक कटा हुआ, और ये देखिए मैंने सोया ग्रैन्यूल्स को सोक करके रखा था, उसका एक्सेस पानी निकाल दिया, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको भी डाल के भून लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जब सारी वेजिटेबल सॉफ्ट हो गई है, डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, नमक और लेमन जूस, और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ बॉइल्ड और ग्रेटेड आलू करीबन 4 से 5, इसको भी मिक्स एंड मैश करते जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये सारे मसाले अच्छे से लटपट ना जाए आलू के साथ और आलू का मसाला हल्का सा ड्राई ना हो जाए। थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी डाल रही हूँ और फिर से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे तो मिक्सचर रेडी हो गया, इसको ट्रांसफर कर लेंगे किसी वाइट बोल में। इसको थोड़ा सा फैला लीजिए ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। और फिर देखिए मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, 1/2 कप मैं डाल रही हूँ पोहा। तो पोहा को सिंपली मैंने मिक्सी में चला लिया था और उसका हल्का दरदरा पाउडर बना लिया, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ताकि जितना भी एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाए और अच्छे से बाइंडिंग भी मिल जाए। अगर ये ना हो तो आप इसके बदले ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश वाले, ड्राई वाले, नहीं तो आप सोक्ड पोहा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मिक्सचर कितना बढ़िया दिख रहा है, हल्का सा ड्राई दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही मिक्सचर होना चाहिए। और मान लीजिए गलती से भी आपका मिक्सचर थोड़ा भी गीला हो जाए तो यहाँ पे आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बेसिक मसाला तो हमारा तैयार हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। तो अब आप सब ये सोच रहे होंगे कटलेट्स को ना तो हमें शैलो फ्राई करना है ना तो डीप फ्राई करना है, तो फिर ये बनेंगे कैसे, है ना। तो लेट मी रिवील द सीक्रेट, आज हम कटलेट्स को एयर फ्राई करेंगे हमारे फिलिप्स एयर फ्रायर में। तो जब तक हम अपनी बाकी की तैयारी करते हैं, चलिए अपने एयर फ्रायर को प्रीहीट कर लेते हैं एट 180 डिग्री बस 5 मिनट के लिए। तो एयर फ्रायर में कोई भी डिश कुक करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एयर फ्रायर को प्रीहीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने हाथों में थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे और छोटे छोटे कटलेट्स बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे शेप कर रही हूँ, थोड़े से ओवल और छोटे बना रही हूँ क्योंकि हम इसे एयर फ्राई करने वाले हैं। आपको चाहिए तो आप इसको राउंड शेप में या फिर थोड़े बड़े कटलेट्स भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं, तो अब इसके बनाएंगे कोटिंग। तो सबसे पहले एक बोल में मैं ले रही हूँ करीबन 4 टेबलस्पून मैदा, आप चाहें तो इसके बदले कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका स्लरी बना लेंगे। बेसिकली एकदम पतला घोल हमें बनाना है, बिल्कुल इस तरह, जो कि कोट कर दे सारे कटलेट्स को। ठीक है, ये एक तैयारी हमारी हो गई। दूसरा, ये देखिए मैंने क्या रेडी रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ 8 से 10 ब्रेड को मिक्सी में चला लिया था और हल्का सा टोस्ट कर लिया पैन में विदाउट एनी ऑयल और बटर। तो ये हमारे ड्राई ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल मार्केट में टोस्ट या रस्क मिलते हैं ना, उसको भी आप चूरा बना के यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक कटलेट लेंगे, इसको डिप करेंगे इस स्लरी में, दोनों तरफ से अच्छे से डिप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं रखना है वरना सॉगी हो जाएगी कटलेट। इसका एक्सेस रिमूव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फोक और इसको तुरंत से डाल देंगे क्रम्स के ऊपर और अच्छे से इसकी क्रम्बलिंग कर लेंगे। तो इसको सब तरफ से कोट कर लीजिए ब्रेड क्रम्स के साथ ताकि बढ़िया से क्रिस्पी बने फ्राइंग के बाद। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसको डबल कोट भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से सारे कटलेट्स कोट कर लीजिए मैदा के घोल में डाल के और फिर ब्रेड क्रम्स में डाल के। ये देखिए कोटिंग वाले सारे कटलेट्स रेडी हो गए।
तो एयर फ्रायर हेल्दी तो है ही, क्योंकि 90% तक के कम फैट यूज़ करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि कढ़ाई में ना तो आपको काफ़ी सारा तेल चढ़ाना है और ना ही कंटिन्यूसली उसके ऊपर खड़े होकर स्टर करना है। तो अब हमारा एयर फ्रायर भी अच्छे से प्री हीट हो गया है। तो अब आपको बस ये बास्केट रिमूव करना है, हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है और कटलेट्स हमारे प्लेस करना है इस बास्केट के ऊपर। तो बस अब इसे क्लोज करेंगे और इसे कुक होने देंगे 190 डिग्रीज पर 10 टू 12 मिनट्स के लिए। फिलिप्स एयर फ्रायर की स्टारफिश डिजाइन, डबल लेयर बास्केट और रैपिड एयर टेक्नोलॉजी की वजह से 360 डिग्री इवन कुकिंग होती है। और आप इसमें फ्राइंग करने के साथ साथ बेक, ग्रिल, रोस्ट, टोस्ट, डिफ्रॉस्ट, रीहीट एंड और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका टच स्क्रीन भी काफ़ी यूजर फ्रेंडली है और इसमें ऑलरेडी 7 प्रीसेट्स दिए हुए हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो यू डोंट हैव टू वरी, शुरू में आप इसके प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं एंड धीरे धीरे जैसे आप यूज टू हो जाएंगे ना, यू विल कुक मोर कॉन्फिडेंटली इन दिस एयर फ्रायर जैसे मैं करती हूँ। तो चलो बातों बातों में हमारे कटलेट्स भी रेडी हो गए हैं। अरे वाह, ये तो एकदम क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड एंड टेंडर फ्रॉम इनसाइड है। दिस इज ओनली पॉसिबल विद फिलिप्स एयर फ्रायर ड्यू टू इट्स रैपिड एयर टेक्नोलॉजी। वाओ, कितने सुंदर दिख रहे हैं ये देखिए। अब हम इसे रिमूव करेंगे और प्लेट में सर्व करेंगे। और हाँ, एक और बात बताना तो भूल ही गई, इस एयर फ्रायर को वॉश एंड क्लीन करना भी बहुत ही सिंपल है, प्लस ये डिश वॉशर फ्रेंडली है। तो फिलिप्स एयर फ्रायर के साथ काम करना है बहुत कन्वीनियंट और साथ में इतना परफेक्ट कटलेट एकदम फटाफट। तो मैं ये बढ़िया से कटलेट सर्व कर रही हूँ चटनी और सॉस के साथ। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्रंची दिख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि डाइट को हैम्पर किए बिना मैं इतना टेस्टी और हेल्दी फूड खा सकती हूँ, ऑल थैंक्स टू फिलिप्स एयर फ्रायर। और एक बात, इसमें एक एप्लीकेशन है न्यूट्री यू ऐप, वो आप डाउनलोड जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें आपको 500 से भी ज्यादा एयर फ्रायर रेसिपीज मिलेंगी। अगर आपको भी इसे परचेज करना है तो आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर इसका बाइंग लिंक मैं ऊपर कहीं स्क्रीन पे भी दे दूंगी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली और बढ़िया से रेसिपी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।